हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो 700 भर्तियां हैं वो प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो देखिएगा आराम से। क्या क्या लिखा हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस में लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूटी प्रशासन, जो यूटी है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने 700 कांस्टेबल की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। चंडीगढ़ पुलिस अगले 2 दिन में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह भर्ती सेंट्रल सर्विस रूल के तहत होगी। सेंट्रल सर्विस रूल जैसा कि हमारा ऑल इंडिया लेवल पर रहता है, सेंटर की जो भर्ती होती है शनिवार को, जैसे दिल्ली वगैरह में भर्ती होती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे शनिवार को पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 महीना दिया जाएगा। हाल ही में यूटी एडवाइजर की अध्यक्षता में डीजीपी के साथ हुई बैठक में भर्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का टारगेट रखा है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अक्टूबर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत 2024 आम चुनाव से पहले चंडीगढ़ पुलिस में करीब 1000 पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होगी। अब इलेक्शन आएंगे तो इनको पुलिस वालों की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल जुट जाइए, बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया होगी। विद इन 6 से 7 महीने, और 6 से 7 महीने ज़्यादा बोल दिए, 4 से 5 महीने में भर्ती हो जाएगी। देखो, ये जो भर्तियों को लटकाया जाता है 2 साल 3 साल 4 साल, ये बेफालतू में लटकाते हैं। भर्ती होनी ही चाहिए विद इन 6 मंथ के अंदर, कि भाई अगर एक कैंडिडेट किसी पेपर पर अपना कंसंट्रेट कर रहा है तो उसका पूरा टाइम निकल जाता है। 2 साल 3 साल वेट करता रहता है या फिर पढ़ाई में लगा रहता है, ऊपर से स्ट्रेस इतना होता है। 2018 के बाद पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती होगी। 18 से 25 वर्ष तक की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 33% पोस्ट रिजर्व रहेंगी। उसके अलावा क्या बोला है कि जो खेल कोटे से 50 और आईटी विंग में 180 कांस्टेबल होंगे भर्ती। कांस्टेबल भर्ती में खेल कोटे की सीटों पर भी भर्ती होगी। जो स्पोर्ट्स वाला रिजर्वेशन होता है उसमें करीब 50 पदों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों से भरा जाएगा। जो नेशनल लेवल पर खेले हैं या फिर जो बाहर खेल के आए हैं, 50 पद उनके होंगे। यह भर्ती सामान्य भर्ती से अलग होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल का अलग से कैडर बनाने की योजना है। आईटी एक्सपर्ट 180 कांस्टेबल भर्ती होंगे, जो कि यूटी पुलिस के आईटी सिस्टम को संभालेंगे। सामान्य कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता 12th है, जबकि आईटी विंग के लिए बीटेक की डिग्री होती है। आईटी है, आईटी डिपार्टमेंट है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें बीटेक मांगी गई है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 18 से 25 साल के हो, तो अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो प्लीज़ कंसंट्रेट करके यहाँ पर जुट जाइए। ये अपडेट थी चंडीगढ़ भर्ती की। आपको अपडेट कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं सारी अपडेट पाने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।